सिंपल सी दो चीजें हैं। एक, यूपी पुलिस पूरी तरह से बेचैन और तैयार थी सीधे सीधे एनकाउंटर करने के लिए। एडीजी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बाकायदा कहा था कि ऐसा नजीर होगा ये मामला और वो पछताएगा। दूसरी तरफ उसे अपनी जान बचानी थी। जिस तरीके से ये जो दो लाइनें हैं कि देखो पकड़ा गया या मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, ये सीधे सीधे वो बता रहा है कि मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, मैं जिंदा गिरफ्तार हुआ और मेरा एनकाउंटर अब नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है क्योंकि कैमरे पर भी है। उस महाकाल के मंदिर में सीसीटीवी कैमरा भी है और उसे ये सब कुछ पता है और इसीलिए उसने सही जगह सही वक्त सब कुछ अपने हिसाब से चुना। लेकिन इसमें मदद किसने की, क्योंकि वो अकेला कर नहीं सकता, लगातार भाग रहा है, बड़ा सवाल ये है। हालांकि एक बहुत नज़दीकी कनेक्शन ये है कि वहाँ से कुछ ही दूरी पर एमपी में ही उसका ससुराल है शाहडोल में और वहाँ के लोगों के संपर्क में था। तो सारी चीज़ें, और उसको एक न्यूट्रल पुलिस न्यूट्रल स्टेट चुनना था जहाँ एनकाउंटर से बच सके, लगातार कोशिश थी उसकी, अलग अलग जगहों पर वकीलों से भी संपर्क कर रहा था। तो उसका सीधा सीधे मकसद था कि उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, वो जिंदा पकड़ाए, और इस मामले में वो कामयाब रहा, यूपी पुलिस इस मामले में नाकाम रही। लेकिन बड़ा सवाल ये होता, अगर आपने उसकी माँ का इंटरव्यू सुना, और ये पहले भी पूछताछ में पुलिस ने उसके हर उस अड्डे को खंगाला था अब तक की पूछताछ के दौरान जब वो भागा हुआ था, तो ये मालूम था कि हर साल वो इस महाकाल मंदिर में भी जाता है। सवाल ये कि क्या यूपी पुलिस ने कभी यहाँ अपने लोगों को तैनात किया या यहाँ पे उन्होंने अलर्ट रखा कि यहाँ पे ये आ सकता है, यहाँ पे उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस तो अंधेरे में थी। सुबह जब खबर आई एमपी पुलिस की तरफ से, उसके बाद उनको ये पता चला, जब फोन गया लखनऊ तब पता चला कि ये गिरफ्तार हुआ है। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन उनकी कोशिश का अंजाम एक ही था, वो था एनकाउंटर। और विकास दुबे की कोशिश ये थी कि वो जिंदा पकड़ाए, जगह सही हो जहाँ पे वो सेफ हो, और वही काम किया। और इसीलिए जो उसकी लाइन है, वो लाइन ठसक से ज्यादा ये है कि देखो ये ऐलान है कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं जिंदा पकड़ाया हूँ, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो अब मान के चलना कि कुछ गड़बड़ होगा और पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर होगा, तो फिर सवाल भी उठते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे दो लड़ाई थी, एक को मारना था और एक को पकड़ना था, और वो अपने आप को उसने सरेंडर करा लिया। गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए नहीं उठता है कि सुबह तक उज्जैन की पुलिस या उज्जैन के प्रशासन तक को उसकी मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर आप सारी चीज़ें देखें और सिलसिलेवार, चाहे वो कलेक्टर हो, पुलिस हो, विटनेस हो, सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं, वो अचानक आता है, अचानक सामने कुछ लोगों को शक होता है, उसके बाद वो चीखता है, और उन लोगों की मौजूदगी में, आम लोगों की मौजूदगी में कैमरे पर फिर वो ऐलानिया ये बताता है कि मैं हूँ विकास दुबे, जिसकी तलाश हो रही है पिछले 6-7 दिनों से, और देखो अब मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ। आगे का आप लोग देखो। 5 लाख का इनामी बदमाश था, गैंगस्टर कहिए, 50,000 से शुरू किया था, शाम से, एक सेकंड, 5 लाख भी, 1 सेकंड, 50,000 से, 50,000 से शुरू हुई थी इसकी कीमत, उसके बाद इनाम की घोषणा कर दी गई, रकम बढ़ाकर 5 लाख। मेरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना का ये वक्त है, और इसीलिए जब इस तस्वीर में भी हम देखते हैं, जब वो चीख रहा है, उसके हाथ में मास्क है, जो उसकी तस्वीर थाने से आई है या जिस भी तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने दी है, उसमें उसने मास्क नीचे गले में लगाया हुआ था, तो मास्क भी ऐसे वक्त पर उसके लिए बहुत बड़ा कवच बन गया अपनी पहचान छिपाने के लिए। लेकिन कलेक्टर भी उज्जैन के बता रहे हैं कि जब वो मंदिर में गया, कुछ लोगों को शक हुआ, आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड उसने किसी और की दिखा दी, चेहरा मिला नहीं, उसके बाद से मामला आगे बढ़ा। दोनों चीजें हैं, इसी मास्क की वजह से वो कानपुर से निकला, इसी मास्क की वजह से आपने फरीदाबाद के सीसीटीवी कैमरे में देखा होगा, मास्क कोरोना के दो लोगों के लिए जरूरी हो गया, लेकिन इसके लिए एक ढाल बन गया था अपना चेहरा छुपाने के लिए, और इसीलिए ये पकड़ में भी नहीं आया। तो हर जगह मास्क ने इसको बचाया, ये जरूरी है। आईडी कार्ड को लेकर अगर बात करें तो फरीदाबाद में भी उस गेस्ट हाउस में इसकी एंट्री हो जाती, लेकिन जो मैनेजर ने जब आईडी कार्ड मांगा और उसको कुछ डाउट हुआ तब उसने वो रूम नहीं दिया। दोनों चीजें, जहां तक आप इनाम की बात कर रहे हैं, ये शायद पहला ऐसा गुंडा होगा जो घंटों के हिसाब से जिसके इनाम बढ़े, सीधे 50,000 से 5 लाख। लेकिन हैरत इस बात की होती है कि सिर्फ 7 दिन पहले तक, ये बाकी छोड़ दीजिए, अपने कानपुर के उस बिकरू गांव या चौबेपुर थाने तक का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नहीं था, जबकि सीओ के लेटर के हिसाब से इसके सर पर कम से कम 150 मुकदमे दर्ज हैं। 6 से ज़्यादा मुकदमे जिस क्रिमिनल के ऊपर हों, यूपी पुलिस का आदेश है कि उसको मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल करें, लेकिन आज तक न ये टॉप 10, न टॉप 25, न टॉप 50 किसी में नहीं था। आज भी ये टॉप 3 में है, इनाम 5 लाख रुपये ज़रूर हैं, लेकिन ये सब कुछ 6-7 दिनों में हुआ। अगर 8 पुलिस वालों की शहादत ना होती तो शायद ना ये इनाम होता, ना ये मोस्ट वांटेड होता, और जो आदमी एक थाने में घुसकर एक मंत्री का कत्ल करने के बावजूद बरी हो जाए क्योंकि पुलिस वाले तक गवाही ना दे सके, उसका बाकी क्या अंजाम होता है, यह आप हम बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला 8 पुलिस वालों की मौत का है, इसलिए सब कुछ हुआ। हालांकि आज भी यही डाउट है कि ये जो 7 दिन उसको ज़िंदगी मिली, ये जो मोहलत मिली और ये जो सरेंडर हुआ, ये सिर्फ मेहरबानी है उन यूपी पुलिस के लोगों की जो शायद इसके पेरोल पे भी हैं, इससे तनख्वाह लेते हैं। और इस बात का जिंदा सबूत है चौबेपुर थाने के दरोगा और चौबेपुर थाने की एक चौकी के इंचार्ज की गिरफ्तारी, जो बताते हैं कि क्या रिश्ता है इन दोनों का। और रिश्ता यहाँ तक नहीं है,
ये फिर आला अफसरों तक जाता है, एसएसपी भी सवाल उठे, एसटीएफ के डीआईजी का तबादला करके उनको पीएसी में भेज दिया गया। अगर ईमानदारी से जांच होती है बात दूर तक जाएगी। बिल्कुल, बात दूर तक जाएगी अगर ईमानदारी से जांच हो। और अब धुरी पूरी मामले की इसी पर अटकी हुई है कि क्या उस अंजाम तक ये पूरी तफ्तीश पहुंचेगी जब नेक्सस तक सामने आए। नेक्सस अगर सामने नहीं आता है तो ये पूरी गिरफ्तारी जो है वो उस अंजाम तक नहीं पहुंचेगी जो उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। एलन राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस के, और राजीव राय जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राजीव राय जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी। देखिए, राजनीतिक संरक्षण, खाकी का संरक्षण इस शख्स को मिला हुआ था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हर पार्टी में इसकी पहुंच थी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज इसकी मां का ताजा बयान आया है जिसमें वो साफ कह रही हैं कि वो बीजेपी में, भाजपा में इस टाइम नहीं था, वो तो अभी सपा में था। आपका जवाब इस पर। अंजना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आप जैसे कुछ लोगों से जरूर उम्मीद करता हूं कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वहां आप जैसे लोगों का काउंटर होना जरूरी है, समाज के हित में और राजनीति के हित में, देश के हित में। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले दिन माताजी ने कहा था कि वो अपराधी जब से हो गया था, बेकाबू हो गया था, 8 साल से मैं उससे अलग रह रही थी। माताजी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। माताजी ने जब वो 8 साल से अलग रह रही है, पहले खुद ही कह दिया, वो एक प्रूफ हो गया। जो एसटीएफ में पुलिस के सामने, पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी है, एक बालिया बयान दिया गया था, उन लोगों से पूछताछ तक नहीं हुई। और जो ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी को फिक्स करने की सेट कर रहे हैं, मैं एक ही आपसे पूछता हूँ, अगर इससे बेहतर कोई सुझाव हो तो आप भी दे दीजिए कि पहले दिन से हम बोल रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आज बोला है कि उसके सीडीआर को सार्वजनिक कर दिया जाए, जिसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और फिर आपके चैनल पर ये बहस हो जाए कि फलाने फलाने अधिकारी, अगर उसने हमारे पार्टी के भी लोग हैं तो उनको भी फांसी पर लटका दिया जाए। इसको पॉलिटिकल देने के बजाय, इसको आप समझ नहीं रहे, 50 टीमें लगी हुई है, 500 किलोमीटर फरीदाबाद, 900 किलोमीटर उज्जैन, और ये सरकार के लोग अगर उसको नहीं मदद कर रहे हैं तो कैसे फरीदाबाद, कैसे उज्जैन, कैसे दिल्ली, इतनी सीमाएं कैसे पार कर लेगा? नहीं, पारदर्शिता से अगर जांच नहीं होगी तो नेक्सस सामने नहीं आएगा। किस किस की शह पर ये खाकी वर्दी, ये हर कोई जान रहा है। एलन राव साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से जरा शम्स रुकेगा, एक जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को किस तरह से कलेक्टर उज्जैन के जानकारी दे रहे हैं कि कैसे किन परिस्थितियों में ये गिरफ्तारी हुई। वो बता रहे हैं कि कैसे एक संदिग्ध व्यक्ति वहां पर पहुंचा पूजा के लिए, उसके बाद आई कार्ड मांगा गया, नहीं मिला चेहरा, फिर जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई जहां वो चीख रहा था। मैं विकास दुबे, कानपुर वाला, सुनिए। हमारे साथ उज्जैन जिले के कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री आशीष सिंह जी हैं, आइए उनसे बात करें, पूरा घटनाक्रम क्या है? देखिए, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, 7:50 के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो आया था दर्शन के लिए, और एक यहाँ पर जो दुकान है जिसको सुरेश करके एक शॉपकीपर है वो चलाते हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पर्चियाँ मिलती हैं, पर्चियाँ कहाँ पे काटी जाती हैं, तो उनको उसको देख के थोड़ा शक हुआ, और उन्होंने जो हमारी महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी SIS सिक्योरिटी है, उसके एक कर्मचारी हैं राहुल, उनको खबर करी कि इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति जो फोटो चल रही है कई दिनों से, उसको देख के प्रतीत हो रहा है, तो इन लोगों ने इसको ट्रैक करना चालू किया। उसने 250 रुपये की जो है पर्ची भी कटाई, तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई, जब पूछताछ में उससे ID कार्ड मांगा गया तो उसने कोई ID कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। अभी उसकी स्थिति क्या है, क्या है, किस तरह से इंट्रोगेशन चल रहा है, क्या? देखिए, अभी अननोन लोकेशन पे ले जाकर पुलिस के द्वारा उससे इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था, तो निश्चित रूप से उसको पकड़ा जा चुका है और अननोन लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ भी कराई जा रही है। प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, इतने बड़े आरोपी को हमने पकड़ा है और यहाँ की सिक्योरिटी ने पकड़ा, तो अगला कदम क्या है? देखिए, ये निश्चित रूप से क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें जो भी भोपाल स्तर पर मुख्यमंत्री जी या DGP साहब जो भी निर्णय करेंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करी जाएगी। तो आपने सुना,
कलेक्टर बता रहे हैं कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होगी, यूपीएसटीएफ को सौंपा जाएगा, लेकिन संदिग्ध के तौर पर वो मंदिर पहुंचा दर्शन के लिए, वहां पर लोगों को शक हुआ, आई कार्ड मांगा, चेहरा मिलता नहीं था, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और फिर गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब नया ट्विस्ट आया जब सरला देवी विकास दुबे की मां सामने आई, वो ये कह रही है कि महाकाल ने तो बचा लिया, यानी एनकाउंटर का खौफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिर पर मंडरा रहा था, न सिर्फ विकास दुबे के बल्कि परिवार के भी। मां ये भी कह रही है कि इस टाइम भाजपा में नहीं सपा में है, सरकार क्या करेगी पता नहीं, सरकार बड़ी चीज होती है। सुनिए क्या कह रही है सरला देवी। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं करते, जान पाती है नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, मुझे उनके बहुत आदमी हैं उनके साथ, जो पुलिस है दुनिया सब नेता है गरीब, अब जो जिनने करवा हुई है वो खुदाई हुई बताई है। वो जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की, क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे श्रृंगार कराने कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चले क्या करेगी सरकार पता नहीं, लेकिन इन सब के बीच देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में भी बवाल खड़ा हो गया है इस हिरासत के बाद, गिरफ्तारी पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा, यूपी चुनाव में कानपुर प्रभारी थे, नरोत्तम मिश्रा पर प्रहार कर दिया है एमपी कांग्रेस ने, अभी वो उज्जैन के प्रभारी हैं। सीधा कनेक्शन खोज रही है कानपुर और उज्जैन के बीच में इस वक्त कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा यूपी चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और वही नरोत्तम मिश्रा अभी उज्जैन के प्रभारी हैं, तो इसमें लिंक देख रही है फिलहाल मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और सीधे सीधे नरोत्तम मिश्रा पर ही निशाना साध दिया है। याद रखिए नरोत्तम मिश्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और सबसे पहले गिरफ्तारी के बाद उन्हीं का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी मध्य प्रदेश पुलिस से कोई बच नहीं सकता। मध्य प्रदेश कांग्रेस का यह हमला है सीधे नरोत्तम मिश्रा पर, यूपी चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे। और रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, अब यूपी का मामला, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मध्य प्रदेश की सियासत में, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के जरिए कॉमन लिंक कानपुर और उज्जैन के बीच में खोज रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी, सीधा आरोप लगा रही है। बिल्कुल, सीधे आरोप लगा रही है, क्योंकि ये देखिए ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, इससे जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये मध्य प्रदेश की कामयाबी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की कामयाबी बता रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा पाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर अब काउंटर करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि कांग्रेस ने इसको इजी टेक नहीं देते हुए सीधे तौर पर निशाना साधा है गृह मंत्री पर और मध्य प्रदेश सरकार से कि आखिरकार विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा तो फिर वो कैसे पहुंचा, और क्या ये मध्य प्रदेश पुलिस की खामी नहीं है कि वो 4 से 5 जिलों को पार करता हुआ मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल भी हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा से होता हुआ वो उज्जैन के मंदिर महाकाल मंदिर तक पहुंच गया, अंदर तक पहुंच गया, जहां से बाद में उसको पुलिस ने उठाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर राजनीति होना तय थी, हो भी रही है। देखना अब यह है कि आखिरकार विकास दुबे से जब पूछताछ होगी तो उसके बाद वो तथ्य जो है वो सामने आ पाएंगे कि आखिरकार वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, किन किन लोगों ने उसकी मदद की और उज्जैन में या फिर मध्य प्रदेश में क्या उन्हें लोगों ने आसरा दिया नहीं दिया। लेकिन जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है वो इसी आधार पर लगाया है क्योंकि यूपी का प्रभारी बनाया गया था नरोत्तम मिश्रा को, खासतौर से लोकसभा चुनाव के दौरान, और वो विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुए तो उस दौरान भी वो प्रभारी रहे थे और इसीलिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब सियासी बवाल खड़ा कर रही है। नरोत्तम मिश्रा टारगेट पर हैं उनके, उनका कहना है कि कानपुर में भी प्रभारी बनाए गए थे और यहाँ उज्जैन के भी हैं, और कानपुर वाले विकास दुबे की देखिए गिरफ्तारी उज्जैन में हुई है। क्या है ये लिंक,
क्या नहीं है, इन सब पर चर्चा और लगातार कवरेज जारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।